हेलो देयर, मैं श्रीकांत हूं और मैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल के साथ मौजूद। और आज का हमारा टाइटल जो शीर्षक है वो है ग्रोथ प्रॉप, ग्रोथ को अर्थव्यवस्था में वृद्धि को प्रॉप समर्थन, प्रॉप मतलब सपोर्ट ऑन आरबीआई रेपो रेट कट। और ये लिखा गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो रेपो रेट में कट की गई है, कमी की गई है, उस पर लिखा हुआ है। थोड़ा सा इससे पहले कि हम इसको पढ़ें, हम कुछ जान लें कि आरबीआई का क्या काम है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दो काम हैं, एक तो जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं सब पर नियमन नियंत्रण करता है, सबका बॉस है केंद्रीय बैंक है। एक काम ये है सारे बैंकों को मॉनिटर करना, उनके लिए रूल रेगुलेशंस बनाना। दूसरा काम है अर्थव्यवस्था के अंदर जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, उस पर काबू रखना। और काबू रखने के लिए इसके पास कुछ काफ़ी शक्तियाँ हैं, काफ़ी औजार हैं, उन औजारों की चर्चा हम करेंगे। तीसरा कि ये सरकार के लिए भी बैंकिंग का काम करता है, सरकार भी इसका कस्टमर होता है, सरकार का भी ये बैंक होता है। तीन काम। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये जानें कि जो इसका एक काम है मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन को कैसे ये नियंत्रण में रखता है। और मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए क्या इसके पास औजार हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था के अंदर, इकोनॉमी के अंदर जो मनी सप्लाई है, जो पैसे का जो सप्लाई है, पैसा जो है, करेंसी जो मुद्रा है, लिक्विडिटी तरलता कहें, जिसमें नकदी है, तरलता में कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं, नकदी, गोल्ड, ट्रेजरी बिल्स, तो ये जो तरलता होती है इकोनॉमी के अंदर, मनी सप्लाई जो होता है, उसका बहुत सारी चीज़ों पे असर होता है। जैसे देखिए, अगर तरलता है, लोगों के हाथ में पैसा है, तो डिमांड बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा। खर्चा करने के लिए हाथ में पैसा होगा तो मांग करेंगे, जब मांग करेंगे वो ज़्यादा मांग होगा तो सप्लाई के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा उससे, तो इससे जीडीपी ग्रोथ होगा। क्योंकि जब प्रोडक्शन होगा, नए माल नए सर्विसेज का उत्पादन होगा, वही तो जीडीपी होता है, सकल घरेलू उत्पाद होता है, उसमें वृद्धि होगी। तो लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा हो, उनकी परचेजिंग पावर, पैरिटी, क्रय शक्ति ज़्यादा हो, तो डिमांड बढ़ता है, उससे प्रोडक्शन बढ़ता है, जीडीपी बढ़ता है। और दूसरी तरफ एक चीज़ और होता है उससे, कि डिमांड बढ़ने के साथ ही कीमतें भी बढ़ती हैं, तो महंगाई बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। दूसरी तरफ अगर तरलता कम हो, पैसा लोगों के हाथ में कम होगा, तो उससे क्या होगा, खर्चा करने को कम होगा, मांग कम हो जाएगा, डिमांड कम होने से सप्लाई भी कम होगा, यानी सप्लाई कम होगा, लोगों की मांग नहीं है तो प्रोडक्शन उतना नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होने से लोग रोज़गार से हट जाएंगे, बेरोजगारी होगी। इससे अर्थव्यवस्था में क्या है, जीडीपी कम होगा, क्योंकि जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो जीडीपी तो कम हो गया। लेकिन इससे क्या होता है कि जब मांग कम होती है तो कम होने से कीमतें जो होती हैं घटती हैं, यानी कीमतें घटती हैं, और यानी इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति भी क्या होता है, कम होता है। अब ऐसे क्या तरीके हैं कि अब आरबीआई क्या करता है कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो मनी सप्लाई है उसको कम ज़्यादा करके मुद्रास्फीति पे नियंत्रण करता है। अब उसको कैसे, जो मनी सप्लाई है अर्थव्यवस्था के अंदर, लिक्विडिटी को कैसे कम ज़्यादा करता है, उसके पास चार पांच औजार हैं। जैसे एक तो है एलएसआर। एलएसआर क्या होता है, तो एलएसआर होता है कि लिक्विडिटी स्टैट्यूटरी रेशियो करके कुछ होता है। उसमें क्या होता है एलएसआर में, कि भाई जैसे जितना बैंक के पास पैसा आया, जमा हुआ, टोटल डिपॉजिट जैसे 100 रुपया है, तो 100 रुपया वो लोन नहीं बांट सकता। वो एलएसआर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक फिक्स करता है एलएसआर की, इतना परसेंटेज डिपॉजिट मिनिमम आपको रखना ही रखना है ना, तो वो एलएसआर अपने पास वो रखना। अगर मान लीजिए वो एलएसआर की रेशियो को बढ़ा दे कि आपको 60 रुपये अपने पास रखना है, या 40 रुपये या 30 रुपये आपको अपने पास रखना है, हालांकि इसकी एलएसआर की मैक्सिमम लिमिट 40 है और मिनिमम लिमिट सेट 23 है। तो जैसे मान लीजिए अगर उसने कहा कि नहीं आपको 30 होना चाहिए एलएसआर, 30 रुपये अपने पास रखना है, तो अब उनको कर्ज बांटने के लिए सिर्फ 70 रुपये हुए, तो 70 रुपये है कर्ज। और अगर यानी कर्ज वो क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा बांट सकते हैं, 70 रुपये बांटने को कर्ज बांट सकते हैं, यानी लोन सस्ता होगा लोगों के लिए, तो लोन लोग लेंगे, डिमांड बढ़ेगा, लोन लेंगे पैसा आएगा हाथ में, तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ने से क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ने से अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। साथ में एक भी ये चीज़ भी हो सकता है कि कीमतें बढ़ें, डिमांड बढ़ने से कीमत बढ़ता है प्राइस, उससे महंगाई या मुद्रास्फीति बढ़ता है। अगर मान लीजिए एलएसआर को 30 करके ना करके वो बढ़ा दे, उनके लिए स्टैट्यूटरी लिमिट जो है उसको कर दे कि भाई आपको 30 नहीं 40 रखना है, तो 100 रुपये टोटल डिपॉजिट है अगर, तो उसका अगर 40 उनको खुद अपने पास रखना है, 60 ही लोन दे सकते हैं, तो लोन देने के लिए अब कम हो गया, पहले 70 था अब 60 हो गया,
तो 60 लोन देने के लिए, यानी लोन अब महंगा होगा, लोगों को जल्दी लोन नहीं मिलेगा, हाथ में पैसा नहीं रहेगा, तो हाथ में पैसा नहीं रहेगा तो खर्च नहीं करेंगे, डिमांड कम होगी, डिमांड कम होने से सब क्या होगा कि सप्लाई कम की ज़रूरत पड़ेगी, प्रोडक्शन घटेगा, जीडीपी घटेगा। दूसरी तरफ कीमत पे क्या असर होगा कि जब पैसा नहीं रहेगा लोगों के पास, डिमांड कम होगा तो कीमत भी कम हो जाएगा, और कीमत कम होने से महंगाई कम होगी, यानी मुद्रास्फीति क्या होगी, कम होगी। तो एक एक तो ये हो गया एसएलआर, सॉरी एसएलआर होता है, एलएसआर नहीं होता है, एसएलआर होता है। एसएलआर क्या होता है, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कितना लिक्विडिटी में स्टेट्यूटरी कानूनी रूप से इतना रखना है रेशियो, इतना अनुपात अपने पास रखना है। अब देखिए दूसरा औजार उनके पास सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि जितना डिपॉजिट होता है बैंक के पास, उस कुल जमा का कुछ हिस्सा आरबीआई अपने पास रखता है उनसे, ताकि कल को बैंक को कोई प्रॉब्लम हो जाए, फंस जाए, तो उस पैसा हमारे पास जमा रहेगा, तो हम बैंक पर नियंत्रण रख पाएंगे या जो कस्टमर्स हैं उनकी मदद कर पाएंगे। तो कैश रिजर्व रेशियो जो अपने पास सेंट्रल बैंक रखता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों से, तो जैसे मान लीजिए कि बैंकों को 100 रुपया टोटल डिपॉजिट आया, तो उसमें से कुछ पैसा आरबीआई को देना है, वो अपने पास रखता है उसका। तो अगर मान लीजिए सीआरआर उसने बढ़ा दिया, तो सीआरआर बढ़ाने से क्या होता है कि अब कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा। इससे क्या होगा, उनके पास पैसा कम होगा, वो लोन कम दे पाएंगे, तो कम लोन देने से लोन महंगा होगा, लोगों के हाथ में लोन नहीं रहेगा, लोग लोन नहीं लेंगे, इसलिए डिमांड भी उतनी नहीं रहेगी, सामान की डिमांड घटेगी। डिमांड घटने से फिर क्या होगा कि सप्लाई कम हो जाएगा, सप्लाई, और लोग बेरोजगार भी होंगे, प्लस जीडीपी कम होगा। लेकिन इससे ये होगा कीमत पर फर्क, कि क्या होगा कि कीमतें सस्ती रहेंगी, क्योंकि डिमांड कम रहेगा तो कीमत सस्ती रहेगी, कम हो जाएगी, मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। इसके उलट अगर जो सीआरआर है, जो कैश रिजर्व रेशियो है, अगर मान लीजिए आरबीआई कह दे, घटा दे कैश रिजर्व रेशियो, जो आरबीआई के पास रखना पड़ता है कमर्शियल बैंक्स को, कैश रिजर्व रेशियो अगर उसको घटा दे कि कम रखना है, तो इससे उनके हाथ में ज़्यादा पैसा जाता है कमर्शियल बैंक्स के, और वो लोन ज़्यादा बांट सकते हैं, तो इससे लोन सस्ता होता है, लोगों के हाथ में पैसा आता है, जिससे वो ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, डिमांड बढ़ता है, डिमांड बढ़ने से सप्लाई ज़्यादा बढ़ता है, तो प्रोडक्शन बढ़ता है, जीडीपी बढ़ता है, लेकिन कीमतें भी बढ़ती हैं, क्योंकि जब ज़्यादा पैसा हाथ में रहेगा तो डिमांड ज़्यादा होने से कीमत बढ़ता है, और मुद्रास्फीति यानी महंगाई बढ़ती है। तो ये सीआरआर हो गया। अब जैसे एक औजार उनके पास क्या है, तो एक औजार है रेपो रेट। ये रेपो रेट क्या होता है कि जो बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो उधार देता है इन कमर्शियल बैंक्स को, एक एक दिन के लिए लोन लेते हैं ये लोग, क्या पैसा नकदी कम हो जाता है तो ये लोग आरबीआई से उधार लेते हैं, तो उधार लेते हैं तो आरबीआई इनसे इंटरेस्ट या ब्याज लेता है, वो ब्याज की जो दर होती है उसको रेपो रेट बोलते हैं। अगर वो ब्याज की दर क्या कर दे, महंगी कर दे, बढ़ा दे रेपो रेट, तो क्या होगा कि जो कमर्शियल बैंक से वो लोन कम लेंगे, लोन नहीं लेंगे, लोन अपने पास वो नहीं लेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन नहीं लेंगे, उनके पास पैसा कम होगा, वो लोन नहीं देंगे दूसरों को, और लोन देंगे भी तो महंगा होगा, महंगा लोन होने से लोग कम लेंगे लोन, डिमांड क्या होगा उससे कि कम हो जाएगा, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं रहेगा ना बाहर, तो लोन क्या होगा, महंगा होगा, उससे उनके हाथ में पैसा नहीं रहेगा, डिमांड कम हो जाएगा, कीमतें गिरेंगी, मुद्रास्फीति कम होगी। इसके विपरीत अगर वो रेपो रेट को क्या कर दे, घटा दे, यानी जिस दर पे, जिस रेट पे वो कमर्शियल बैंक्स को पैसा देता है, अगर उसको घटा दे उस ब्याज दर को, रेपो रेट घटाने से क्या होगा, कमर्शियल बैंक ज़्यादा लेंगे पैसा आरबीआई से, पैसा लेके वो दूसरों को बांटेंगे, सस्ता होगा लोन, क्योंकि सस्ता मिलेगा उनको, तो सस्ता लोन दूसरों के लिए होगा, तो लोग लोन लेंगे, लोन लेने से हाथ में पैसा आएगा, उस मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ने से चीज़ों की कीमतें ज़्यादा होंगी, कीमतें बढ़ेंगी, मुद्रास्फीति महंगाई होगा, और ज़्यादा मांग होने से सप्लाई भी होता है, तो अगर उधर देखें तो प्रोडक्शन पे अच्छा असर पड़ता है, कि ज़्यादा सप्लाई, ज़्यादा डिमांड के लिए प्रोडक्शन भी बढ़ता है, उससे जीडीपी पे अच्छा असर आता है। अब अगर ये रिजर्व मतलब ये रेपो रेट का हो गया, अब रिवर्स रेपो रेट होता है ना। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि कभी कभी आरबीआई क्या करता है कि कमर्शियल बैंक से पैसा लेता है, कमर्शियल बैंक से पैसा लेता है और इंटरेस्ट उस पे करता है। ऐसा क्यों करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जब देखता है कि अर्थव्यवस्था के अंदर मनी सप्लाई ज़्यादा है, लिक्विडिटी ज़्यादा है, लोगों के हाथ में पैसा बहुत है, तो इसकी वजह से डिमांड कर रहे हैं और कीमतें बढ़ रही हैं चीज़ों की, तो कीमतों को कम करने के लिए, महंगाई कम करने के लिए वो क्या करता है कि कमर्शियल बैंक से पैसा ले लेता है, और कमर्शियल बैंक से पैसा ले करके क्या करता है कि उनको इंटरेस्ट पे करता है इससे। तो कमर्शियल बैंक से जब ये पैसा ले लेता है तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं रहता कि वो लोन दे दूसरों को, तो लोन जब नहीं देते दूसरों को तो लिक्विडिटी कम हो जाती है, लोगों के हाथ में पैसा कम हो जाता है, तो डिमांड कम होता है, इससे कीमतों में गिरावट हो जाती है, मुद्रास्फीति कम हो जाती है, महंगाई कम हो जाती है।
तो जब ये रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाता है, यानी जिस ब्याज दर को देता है कमर्शियल बैंक्स को पैसा लेके, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगा, तो लोग ज़्यादा पैसा अपना आरबीआई को दे देते हैं कमर्शियल बैंक्स, और बाहर के लोगों को लोन देने के लिए उनके पास पैसा कम होता है। तो रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ा दे केंद्रीय बैंक, तो इससे ये होगा कि लोगों के पास पैसा कम होगा, क्योंकि ज़्यादातर बैंक्स आरबीआई के पास अपना पैसा जमा करेंगे, जिससे उनको इंटरेस्ट कमाने को मिले रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगा। तो वहीं अगर रिवर्स रेपो रेट कम कर दे, यानी वो ब्याज देना कम कर दे कमर्शियल बैंक्स को, उनसे जो पैसा लेता है उस पर, तो क्या है, कोई कमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसा नहीं देगा, क्योंकि कम मिलेगा ब्याज, रेपो रेट कम होगा तो। और अपने पास ज़्यादा पैसा जब उसके पास रहेगा, तो बाहर के लोगों को लोन ज़्यादा देगा, तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, इससे लोन सस्ता होगा। और लोगों के हाथ में जब सस्ता आएगा लोन, हाथ में पैसा आएगा, तो डिमांड भी करेंगे, तो डिमांड करने से प्रोडक्शन बढ़ता है, जीडीपी बढ़ता है। लेकिन कीमतों पे क्या असर होती है, मांग ज़्यादा होने से कीमतें बढ़ती हैं, कीमतें बढ़ने से मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन यानी महंगाई होती है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें क्या है, जुड़ी हुई हैं। अब जहाँ तक सरकार की बात करें, सरकार हमेशा क्या चाहती है, सरकार हमेशा ये चाहती है कि लोन सस्ता हो। लोन सस्ता होने से क्या होगा कि लोगों के हाथ में पैसा रहेगा, लोग डिमांड करेंगे चीज़ों का, डिमांड करेंगे चीज़ों का, तो क्या होगा कि सप्लाई उसके लिए होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन इस चक्कर में इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये भी है कि मुद्रास्फीति या महंगाई बढ़ जाती है ज़्यादा पैसा हाथ में होने से लोगों के, तो बड़ा ही संतुलित करके चलना पड़ता है आरबीआई को। आरबीआई को दोनों देखना है कि अर्थव्यवस्था में एक तरफ तो क्या हो कि जीडीपी बढ़े, है ना, लोग डिमांड करें, लोगों के हाथ में पैसा हो, लोन से सस्ता हो, ताकि प्रोडक्शन बढ़े, जीडीपी बढ़े, रोज़गार मिले लोगों को। लेकिन साथ में उसकी ये जिम्मेदारी इतनी बड़ी नहीं है, ये जिम्मेदारी सरकार की है। जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी या प्राइमरी प्राथमिक जिम्मेदारी है जो आरबीआई को दी गई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, वो ये कि वो मुद्रास्फीति को, मनी सप्लाई को कंट्रोल में रखे, उस पर काम करना उसका मेन काम है, कि मुद्रास्फीति को चेक करके रखे, महंगाई न कम हो बहुत न ज़्यादा हो, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है आरबीआई को। तो उम्मीद ये करता है सरकार कि आरबीआई क्या करे कि रेपो रेट क्या कर दे, कि रेपो रेट घटा दे, यानी कम दाम पे, मतलब कम रेट पे वो कर दे, लोगों को ब्याज दे, है ना, कमर्शियल बैंक्स को, ताकि कमर्शियल बैंक सस्ता लोन दे दूसरों को, लोगों के हाथ में पैसा है। और चाहता है रिजर्व बैंक से, सरकार चाहता है कि रिजर्व बैंक क्या कर दे, रिवर्स रेपो रेट को घटा दे। घटा देगा तो कमर्शियल बैंक्स रिजर्व बैंक के पास पैसा नहीं जमा करेंगे, क्योंकि उनको इंटरेस्ट कम मिलेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, रिवर्स रेपो रेट कम होगा तो इसलिए वो ज़्यादा लोन दूसरों को बांटेंगे, हाथ में पैसा आएगा, डिमांड बढ़ेगा। तो इसमें कई बार टकराव भी आता है। और जहाँ तक आरबीआई की बात है, तो जिस तरह सरकार एक अलग स्वायत्त संस्था है संविधान के अंदर, वैसे ही आरबीआई भी एक स्वायत्त संस्था है। आरबीआई को भी बहुत पावर मिला है और उस पर सरकार का बस नहीं चलता है बहुत। तो अब इस संदर्भ में हमें देखने की ज़रूरत है, हर तीन महीना पर रिव्यू होता है, हर तीन महीना पर, है ना, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है अपना मॉनेटरी पॉलिसी, जो इसकी मौद्रिक नीति, मुद्रा संबंधी नीति को रिव्यू करता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, LSR, ये कम ज़्यादा करता रहता है, अर्थव्यवस्था को देखते हुए कि उसमें मुद्रास्फीति का क्या हाल है, इन्फ्लेशन का क्या हाल है, महंगाई का क्या हाल है। तो अभी हुआ है जो मौद्रिक नीति का जो समीक्षा हुआ है फिस्क, तो रेपो जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू हुआ है, उसमें क्या डिसीजंस हुए हैं, उसके क्या असर होंगे, इस पर ये लिखा हुआ है, ये समझने की ज़रूरत है आपको। और ये समझने की ज़रूरत ये है कि इसका शीर्षक क्या है, तो ग्रोथ प्रॉप, वृद्धि को सपोर्ट या समर्थन, ऑन आरबीआई रेपो रेट कट, आरबीआई द्वारा जो रेपो रेट पे कटौती हुई है, रेपो रेट में कटौती, उस पर लिखा हुआ है, एज द आरबीआई कट्स द बेंचमार्क रेपो रेट, जबकि आरबीआई कम कर दिया है बेंचमार्क रेपो रेट। रेपो रेट यानी बेंचमार्क मतलब स्टैंडर्ड, जो मानक रेपो रेट होता है, रेपो रेट जिस पे क्या होता है कि वो लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को, तो उस कटौती कर दिया, यानी अब लोन कमर्शियल बैंक्स के लिए सस्ता हो गया वो, और आरबीआई से कम दाम पे लोन ले सकते हैं, यानी अब वो ज़्यादा लोगों को लोन बांट सकते हैं, ये समझने, आप समझ गए होंगे। तो रेपो रेट में जबकि आरबीआई कटौती किया है, कंसर्न्स ओवर द फिस्कल डेफिसिट रिमेन, तो जो चिंताएं हैं दूसरी तरफ, चिंता जो है फिस्कल डेफिसिट पर, वित्तीय घाटे पर वो बनी हुई है। वित्तीय घाटा क्या होता है, ये सरकार की चीज़ है। वित्तीय घाटा क्या है कि जितना सरकार के पास पैसा आता है, आय है, रेवेन्यू है, और जितना उसका एक्सपेंडिचर या खर्चा है, तो मान लीजिए आय से ज़्यादा खर्चा हो जाए तो वित्तीय घाटा होता है, उसको फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। उसके बहुत मायने हैं, बहुत असर हैं, आप पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था में, तो
तो जैसे 100 रुपया आए हैं और 105 रुपया खर्चा कर दिया सरकार ने, तो 5 रुपये का जो घाटा है ये इसको वित्तीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट बोलेंगे। तो एज द आरबीआई कट्स, जबकि आरबीआई कट किया है, कटौती की है उसने अपने मानक रेपो रेट में जिस पर वो देता है लोन कमर्शियल बैंक्स को, कंसर्न्स चिंता जो है ओवर द फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय घाटे को लेकर वो बना हुआ है। बेयरली 4 मंथ्स, मात्र अभी मुश्किल से 5 महीने, 4 महीने आफ्टर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जब आरबीआई ने स्विच्ड, बदल दिया इट्स मोनिट्री पॉलिसी स्टांस, इसका जो मौद्रिक नीति संबंधी रुख था ये बदल दिया, स्विच किया टू वन, एक ऐसी स्टांस या रुख की ओर ऑफ कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, कि सोच समझ के मिला जुला के इसने टाइटेन किया, कसा, कसने का मतलब क्या है कि इसने रेपो रेट क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ताकि कमर्शियल बैंक्स को लोन सस्ते ना मिले, ताकि वो लोगों को सस्ता पे लोन ना बढ़े। तो कैलिब्रेटेड टाइटनिंग का जो रुख था, अभी जस्ट 4 महीने बाद ही, 4 महीने पहले की बात है, बेयरली 4 मंथ्स, मात्र 4 महीने, मुश्किल से 4 महीने आफ्टर द आरबीआई, जब आरबीआई स्विच किया, बदला अपना मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस, मौद्रिक नीति संबंधी रुख को बदलने के सिर्फ 4 महीने बाद ही, और कैसा रुख किया था उसने, तो वन ऑफ कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, 4 महीने पहले उसने अपना रुख बदल के कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, सोच समझ के टाइटेन किया था, यानी कमर्शियल बैंक्स के लिए अब लोन सस्ता नहीं था, लोन लोगों को सस्ता नहीं मिलता, सिग्नलिंग, जिसमें वो सिग्नल किया, संकेत किया, इंटरेस्ट रेट्स वर सेट, कि जो ब्याज दरें थी देवर सेट, वो तैयार थी टू ट्रेंड हायर, कि उनकी प्रवृत्ति होगी ज़्यादा बढ़ने की, यानी लोगों को अब सस्ता लोन नहीं मिलेगा। तो उस स्थिति से 4 महीने पहले जो ऐसा रुख अपनाया था उससे हटके इट हैज़ रिवर्स्ड, रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया ने रिवर्स कर दिया है डायरेक्शन को, दिशा को पलट दिया, उलट दिया है, जो टाइट किया था रिवर्स रेपो रेट को थोड़ा बढ़ा के रखा था ताकि कमर्शियल बैंक्स को सस्ता ना मिले लोन और वो सस्ते पे लोन ऑफर करें लोगों को, उसको रिवर्स कर दिया, पलट दिया है उस दिशा को। नॉट ओनली डिड द आरबीआईज मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी यूनानिमसली ऑप्ट, ना केवल डिड द आरबीआईज मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, ये नॉट ओनली आ गया ना पहले, जब भी नेगेटिव एडवर्बियल्स पहले आते हैं तो इन्वर्जन हो जाता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं बल्कि वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में आता है, जैसे यहाँ पे डिड क्या है, वर्ब है, ये पहले आ गया, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी सब्जेक्ट के पहले। तो ना केवल आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, मौद्रिक नीति समिति है, यूनानिमसली एकमत रूप से चुनाव किया, ये निर्णय किया टू रिवर्ट, पलटने का टू न्यूट्रल पोस्चर, कि अब न्यूट्रल पोस्चर में आ जाएं, जो पहले टाइटेन करके रखे थे, रेपो रेट को थोड़ा बढ़ा के रखे थे, तो ना सिर्फ उसने निर्णय किया रिवर्ट, वापस आने का टू न्यूट्रल पोस्चर, न्यूट्रल रुख में, बल्कि द रेट सेटिंग पैनल, रेट को सेट करने वाला, दर को तय करने वाला ये जो पैनल है, अनएक्सपेक्टेडली, जिसकी उम्मीद नहीं थी, उस रूप से डिसाइडेड, निर्णय किया बाई ए 4-2 मेजोरिटी, 4-2 के बहुमत से, 6 में से 4 लोगों ने ऐसा माना, 2 लोग नहीं माने, टू कट द बेंच मार्क रेपो रेट, उसने निर्णय किया कटौती करने का बेंच मार्क रेपो रेट, जो मानक रेपो रेट है उसमें कटौती करने का, बाई 25 बेसिस पॉइंट्स, 25 बेसिस पॉइंट से टू 6.25%, और घटा के कम कर दिया 6.25% से। इससे क्या होगा, अब कमर्शियल बैंक सस्ते में आरबीआई से पैसा लेंगे और सस्ता लोन होगा लोगों के लिए भी, ये चीज़ होगा। द MPC's यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, मौद्रिक नीति कमेटी का, MPC का जो रीजनिंग है, तर्क, हैज़ बीन फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये हैज़ बीन रहा है, यहाँ बीन क्या है, मेन वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बी मतलब होना, तो MPC का जो रीजनिंग है, तर्क, हैज़ बीन रहा है फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल सीधा साधा रहा है, विद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन, इस बात के साथ कि जो CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक सूचकांक है जो मुद्रास्फीति की हालत बताता है, ज़्यादा है कि कम है, तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता कीमत सूचकांक के आधार पर जो मुद्रास्फीति, हैविंग कंटिन्यूड टू स्लो, हैविंग कंटिन्यूड, ये जारी रहा है टू स्लो, कम होना, मुद्रास्फीति का धीरा होना, कम होना, महंगाई कम होना, एंड प्रोजेक्टेड टू स्टे, और ऐसा प्रोजेक्ट किया गया, ऐसा आगे के बारे में सोचा गया, ऐसा कि स्टे ये रहेगा, टिकेगा, वेल बिलो द मीडियम टर्म टारगेट, वेल बिलो, बहुत नीचे, जो मीडियम टर्म टारगेट है, जो मध्यम अवधि का जो लक्ष्य है, अब 4%, 4% मुद्रास्फीति का, उससे नीचे रहने का प्रोजेक्ट किया गया, भविष्यवाणी की गई, एटलीस्ट टिल कम तक, कब तक, एटलीस्ट अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर, कम से कम अक्टूबर दिसंबर तिमाही तक ये रहेगा, कम रहेगा। तो जब ये उम्मीद की गई, तो इस बात से MPC सॉ, तो ऐसे में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने देखा एन अपॉर्चुन मोमेंट,
कि ये उचित क्षण है टू पीवो, कि घुमा लिया जाए अपने आप को, घूम जाया जाए टू अ ग्रोथ सपोर्टिव स्टांस, और एक ऐसे स्टांस या रुख में आ जाया जाए जो ग्रोथ सपोर्टिव हो, जो जीडीपी को बढ़ाने वाला हो, सपोर्ट करने वाला हो, यानी लोन सस्ता कर दिया जाए, रेपो रेट को घटा दिया जाए। फिर से इस लाइन को पढ़ने की ज़रूरत है। जो एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रीजनिंग तर्क हैज़ बिन रहा है फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल सीधा, विथ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन, इस बात के साथ कि जो सीपीआई आधारित इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति हैविंग कंटिन्यूड जारी रहा टू स्लो घटने का एंड प्रोजेक्टेड, और भविष्यवाणी की गई टू स्टे वेल, कि स्टे रहेगा वेल बिलो, बिल्कुल नीचे मीडियम टर्म टारगेट 4% के, टिल द लीस्ट टिल एटलीस्ट कम से कम अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर तक, उस तिमाही तक। इस बात को देखते हुए एमपीसी सौ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने देखा एक अपॉर्चून मोमेंट, एक उचित क्षण टू पीवो, कि अपने आप को घुमा ले, पीवो कर ले टू अ ग्रोथ सपोर्टिव स्टांस, और ग्रोथ को सपोर्ट करने वाले रुख में आ जाए, यानी लोन सस्ता कर दे लोगों के लिए और इसके लिए रेपो रेट घटा दे। दैट की देयर इज अ नीड, एक आवश्यकता है टू बोल्स्टर, मजबूत करने की इकोनॉमिक मोमेंटम, आर्थिक मोमेंटम या आर्थिक गति को मजबूत करने की, समर्थन करने की जरूरत है, इज एविडेंट, स्पष्ट है फ्रॉम द आरबीआई इज डाउनवर्ड रिवीजन, इस बात से कि आरबीआई का जो डाउनवर्ड रिवीजन है, उसने रिवाइज किया है, उसने बदला है, पुनर्विचार किया, डाउनवर्ड नीचे की ओर खिसका दिया है रिवाइज करके। अब द फोरकास्ट, उस भविष्यवाणी को, फोरकास्ट को, फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए जो था, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द नेक्स्ट फिस्कल ईयर, जो अगला वित्तीय वर्ष है उसके पहले आधे हिस्से के लिए उसने जो डाउनवर्ड रिवीजन कर दिया है फोरकास्ट का, भविष्यवाणी का, जितना पहले भविष्यवाणी किया था रहेगा जीडीपी ग्रोथ, उसको और कम कर दिया है, उसकी भविष्यवाणी में पता चला है कि नहीं उतना नहीं और कम होगा। इससे ये पता चलता है कि बहुत ज़रूरी है बोल्स्टर करना इकोनॉमिक मोमेंटम को। दैट की देयर इज़ अ नीड, जरूरी है टू बोल्स्टर, मजबूत बनाना इकोनॉमिक मोमेंटम, आर्थिक गति को, इज एविडेंट, स्पष्ट है फ्रॉम द आरबीआई इज डाउनवर्ड रिवीजन, आरबीआई के नीचे की ओर खिसकाने से, रिवाइज करने से, अब फोरकास्ट भविष्यवाणी का ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ का, फॉर ग्रोथ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द नेक्स्ट फिस्कल ईयर्स, अगले वित्तीय वर्ष के पहले हाफ में, पहले छमाही तक, छः महीने में। इससे पता चलता है जो घटा दिया है उसने, इससे पता चलता है कि ग्रोथ कम हुआ है, उसको बोल्स्टर करने, मजबूत करने की, सपोर्ट करने की ज़रूरत है। द प्रोजेक्शन हैज़ बिन लोअर्ड, जो प्रोजेक्शन है, जो भविष्यवाणी है, इट हैज़ बिन लोअर्ड, इसको घटा दी गई है टू अ रेंज ऑफ 7.2 to 7.54%, घटा के 7.2 to 7.4% कर दी गई है जीडीपी का जो प्रोजेक्शन है ग्रोथ का, फ्रॉम 7.5% 7.5% से पॉजिटिव, जो बताया गया था इन द आरबीआई दिसंबर स्टेटमेंट, आरबीआई के दिसंबर वाले स्टेटमेंट या वक्तव्य में, एज क्योंकि मॉडरेटिंग ग्लोबल ग्रोथ, कम होता हुआ ग्लोबल ग्रोथ, जो वैश्विक वृद्धि है, क्योंकि पूरा विश्व और हिंदुस्तान का जो इकोनॉमी है सब इंटीग्रेटेड है, बाहर कुछ कम होगा अगर, मंदी होगी, तो उसका भारत में भी असर पड़ेगा, भारत में भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होगा, मंदी होगा, तो ऐसा इसलिए किया एज क्योंकि मॉडरेटिंग ग्लोबल ग्रोथ, कम होता हुआ जो वैश्विक वृद्धि है, एंड स्लोइंग ओवरसीज डिमांड, और विदेशों में जो स्लोइंग, कम होता हुआ, धीमा होता हुआ जो मांग है, एड अनसर्टेनिटीज, वो अनिश्चितताएँ जोड़ती हैं, ऐड करती हैं टू द प्रिवेलिंग डोमेस्टिक इम्बैलेंसेज, जो अभी प्रचलित चल रहा जो डोमेस्टिक इम्बैलेंस है, घरेलू असंतुलन की स्थिति है, उसमें ये अनसर्टेनिटी को ऐड करता है। ठीक है जी। स्पेसिफिकली खास तौर से प्रोडक्शन एंड इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, जो उत्पादन है और जो आयात है कैपिटल गुड्स का, पूंजीवादी वस्तुओं का, पूंजीवादी वस्तुएं मतलब ऐसी चीज़ें जो हम उपभोग नहीं करते हैं, बल्कि मशीन वशीन टाइप की चीज़ें जिससे नया चीज़ प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन होता है, जैसे मशीन लगाना वगैरह, तो खास तौर से प्रोडक्शन और इम्पोर्ट है कैपिटल गुड्स का, पूंजीवादी वस्तुओं का, मशीन वशीन का, उनका जो उत्पादन है या उनका आयात है, विच इज़ अ की गेज, जो कि एक महत्वपूर्ण मापदंड है, गेज है, ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड, निवेश में कितनी मांग है, निवेश की कितनी मांग है, कितना इन्वेस्टमेंट का मांग है, उसका एक मापक है, क्योंकि जब नई मशीनें का उत्पादन होगा, लोग खरीदेंगे, आयात करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे, तो इससे पता चलता है कि लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इसलिए इट इज़ अ की गेज, एक महत्वपूर्ण मापक है इन्वेस्टमेंट डिमांड का, निवेश को लेकर जो मांग है। कॉन्ट्रैक्टेड, वो घटा, कम हुआ, सिकुड़ा इन नवंबर दिसंबर में, एंड क्रेडिट फ्लोज, और जो लोन दिया गया उनको, क्रेडिट फ्लोज टू इंडस्ट्री, उद्योगों को जो लोन दिया गया, उद्योगों ने निवेश के लिए जो लोन लिया, वो भी क्या हुआ, रिमेन म्यूटेड, वो भी म्यूटेड रहा है, वो भी ज़्यादा नहीं रहा है, कम रहा है। विद एन ओवरऑल शॉर्टफॉल ऑफ 4% इन रवि शोइंग, विद इस बात के साथ कि ओवरऑल शॉर्टफॉल, कुल मिला के एक शॉर्टफॉल या कमी रही है 4% की रबी सोइंग में, रबी फसलों का जो सोइंग है, बीज डाला गया है, बोया गया है, उसमें 4% का ओवरऑल शॉर्टफॉल रहा है अक्रॉस वेरियस क्रॉप्स, अनेकों क्रॉप्स में। अब रबी फसलों में बहुत सारी चीज़ें आती है, गेहूं आता है, सरसों आता है ना,
चना आता है, तो अक्रॉस वेरियस क्रॉप्स, जो अनेकों क्रॉप्स हैं, फसल हैं, उन सारे फसलों में रब को लेकर, जो रबी सोइंग है, रबी के दौरान फसलों का जो बीज बोना है, उसमें ओवरऑल शॉर्ट फॉल हुआ है 4%, उसके साथ एंड स्टोरेज इन मेजर रिजर्वर्स, और जो स्टोरेज है और जो भंडारण है, भंडारित किया गया है मेजर रिजर्वर्स में, बड़े बड़े FCI के गोदामों में, एट जस्ट 44% ऑफ द फुल लेवल, अपने फुल लेवल के सिर्फ 44% पे है। द स्लो डाउन इन फार्म आउटपुट ग्रोथ में वरिंगली, द स्लो डाउन, जो स्लो डाउन है, जो मंदी है, कमी है फार्म आउटपुट ग्रोथ, एग्रीकल्चर खेतों में जो आउटपुट निकलता है, उत्पादन, उसके ग्रोथ में वृद्धि में जो स्लो डाउन है, में वरिंगली एंड अप, में एंड अप अंततः ये करेगा बीइंग मोर प्रोट्रैक्टेड, वो होगा और भी ज़्यादा प्रोट्रैक्टेड, और भी लंबा खींचेगा, प्रोट्रैक्ट मतलब लंबा खींचना, लंबा चलना, तो स्लो डाउन और लंबा खींचेगा। तो फिर से अगर इसको पढ़ें तो ओवरऑल शॉर्टफॉल 4% का है रबी सोइंग में, अक्रॉस वेरियस क्रॉप्स, अनेकों क्रॉप्स जो हैं रबी के, रबी सोइंग में जो तमाम फसलें हैं उनमें रबी सोइंग में जो 4% का ओवरऑल शॉर्टफॉल है, एंड स्टोरेज इन मेजर रिजर्वर्स, और जो भंडारण है मेजर रिजर्वर्स में, एट जस्ट 44%, मात्र 44% में ऑफ द फुल लेवल, पूरे लेवल का, इस बात के साथ द स्लो डाउन इन फार्म आउटपुट ग्रोथ, जो कृषिगत उत्पाद का जो वृद्धि में स्लो डाउन है, मंदी है, में वरिंगली, चिंताजनक रूप से, इट में एंड अप, अंततः होगा या कि बीइंग मोर प्रोट्रैक्टेड, और लंबा खींच जाएगा ये स्लो डाउन जो है। द लेस देन सैंग्विन आउटलुक, सैंग्विन का मतलब होता है कॉन्फिडेंट, लेस देन सैंग्विन आउटलुक का मतलब है कि कॉन्फिडेंट से कम, इतना आश्वस्त या विश्वास भरा नहीं जो आउटलुक है, एक जो भविष्य है फॉर द रूरल इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी का जो अभी हालत है, आउटलुक है, जो कम कॉन्फिडेंट है, इस ऑल्सो रिफ्लेक्टेड, वो इस बात से भी प्रतिबिंबित होता है, दिखता है इन द हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स, वो रिफ्लेक्ट होता है हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स। ये क्या होते हैं हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स? तो ऐसे कुछ संकेतक हैं, आर्थिक संकेतक, जिनसे पता चलता है कि मांग कम है कि ज़्यादा है, आर्थिक गतिविधि कम हो रही है कि ज़्यादा हो रही है, उनको हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो लेस देन सैंग्विन आउटलुक, कॉन्फिडेंट, कम कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंस से कम, तो कम कॉन्फिडेंट आउटलुक है, एक जो हालत है, स्थिति है रूरल इकोनॉमी का, इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड, वो इस बात से भी प्रतिबिंबित होता है, दिखता है इन द हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स, उन हाई फ्रिक्वेंसी संकेतकों में ऑफ द सर्विस सेक्टर्स, जो सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र के हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं। डेटा ऑन सेल्स ऑफ बोथ, जो आंकड़ा है ऑन सेल्स, बिक्री पर ऑफ बोथ, दोनों का, मोटरसाइकिल्स का और ट्रैक्टर्स का, इन दिसंबर में उनके बिक्री संबंधी जो डेटा है, अंडरस्कोर, वो उजागर करता है, रेखांकित करता है वीकेनिंग डिमांड, कम होता हुआ मांग इन द हिंटरलैंड, गाँव में, है ना, तो ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल डिमांड कम हो रहा है। दिस वीकनेस, ये जो कमजोरी है, ये जो गिरावट है इन द फार्म सेक्टर, फार्म सेक्टर में ये जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में ये जो मंदी है, कमजोरी है, इज़ अंडर गर्डिंग, और मजबूत कर रहा है द अनप्रेसिडेंटेड सॉफ्टनेस, जो अभूतपूर्व, जो अभी पहले नहीं हुआ था, ऐसा सॉफ्टनेस, जो नरमी आ रही है फूड प्राइसेस में, भोजन की कीमतों में, उसको अंडरगर्ड कर रहा है और मजबूत बना रहा है, यानी कीमतें बढ़ नहीं रही हैं, कम हो रही हैं, क्योंकि डिमांड ही कम है रूरल सेक्टर में, तो डिमांड कम होने से क्या है, कीमतें भी कम है, वो और कीमतें मजबूत हो रही हैं, मतलब उसका जो सॉफ्टनेस है कीमतों में कमी का, वो और उसको बल मिल रहा है। दिस वीकनेस इन द फार्म सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर में, कृषिगत क्षेत्र में ये जो वीकनेस या कमजोरी, मंदी है, इज अंडरगर्डिंग, वो मजबूत बना रहा है द अनप्रेसिडेंटेड सॉफ्टनेस, जो अभूतपूर्व नरमी रही है फूड प्राइसेस में, उसको और मजबूत कर रहा है, नरमी को और बढ़ा रहा है, बल दे रहा है। तो दिसंबर CPI डेटा, दिसंबर के लिए जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी इन्फ्लेशन का पता चलता है ना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, तो दिसंबर में जो CPI डेटा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से रिलेटेड जो डेटा है, सोड, इसने दिखाया कंटिन्यूइंग डिफ्लेशन, कि डिफ्लेशन जारी है, अवमंदी, यानी कीमतों का कम होना जारी है इन फूड आइटम्स में, वाइल जबकि द RBI इज़ इन्फ्लेशन कैलकुलस, RBI का जो मुद्रास्फीति को लेकर जो गणना है, क्लियरली स्पष्ट रूप से बेनिफिट्स, उसको लाभ मिल रहा है फ्रॉम द ongoing ट्रेंड, जो अभी ongoing चल रहा है, जो ट्रेंड है, प्रवृत्ति है इन प्राइस गेंस मतलब कि कीमतों में कमी या नरमी क्या है, किस तरह का गेन है, पॉजिटिव गेन है या नेगेटिव गेन है, तो प्राइस गेन में जो ट्रेंड चल रहा है, ongoing ट्रेंड, अभी जारी है ट्रेंड, और कैसा ट्रेंड है कि अभी इन्फ्लेशन नहीं, अभी डिफ्लेशन है, अवमंदी है, कीमतें गिर रही हैं, तो RBI का जो इन्फ्लेशन कैलकुलस है, मुद्रास्फीति संबंधी जो गणना है, क्लियरली स्पष्ट रूप से बेनिफिट्स, वो इस बात से डिराइव्ड है, इस बात पर निर्भर है, इस बात से लाभ उठाता है फ्रॉम द ongoing ट्रेंड, कि जो अभी चल रहा है ट्रेंड चल रहा है प्राइस गेन में, यानी कीमतों को लेकर जो कमी चल रही है उससे।
द एमपीसी इज जस्टिफिएबली कॉग्नाइजेंट, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो उचित रूप से जस्टिफिएबली कॉग्नाइजेंट है, अवगत है, कॉग्नाइजेंट है ऑफ द टेन्यूअसनेस, उस वीकनेस से, कमजोरी से, दुर्बलता से, ऑफ द एजम्पशंस, उन मान्यताओं की दुर्बलता से, इट हैज़ मेड फॉर, जिन एजम्पशंस को इसने माना है, फॉर इट्स फॉरवर्ड प्रोजेक्शंस, आगे के भविष्यवाणी के लिए जिनको उसने मान्यताएं या एजम्पशंस लिए हैं कि ऐसा होगा. तो एमपीसी जस्टिफिएबली कॉग्नाइजेंट, एमपीसी जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये उचित रूप से ही कॉग्नाइजेंट है, अवगत है ऑफ द टेन्यूअसनेस, उस कमजोरी या क्षीणता से, ऑफ द एजम्पशंस, उन मान्यताओं की क्षीणता से, कमजोरी से, जिन मान्यताओं को इट हैज़ मेड, इसने माना है, फॉर इट्स फॉरवर्ड प्रोजेक्शन, आगे के भविष्यवाणी के लिए. क्या ये मान के चला है कि भाई आगे मुद्रास्फीति क्या होगा, बढ़ेगा? नहीं, क्योंकि अच्छा उपज होगा तो प्रोडक्शन अच्छा होने से, सप्लाई ज़्यादा रहेगा तो कीमतें नहीं बढ़ेंगी, है ना. तो ये जो एजम्पशंस हैं इनके, ये कभी भी एजम्पशंस गलत हो सकते हैं, और ऐसे में जो इन्होंने इन्फ्लेशन को लेकर अनुमान लगाया वो भी गलत हो सकता है. तो इसलिए कह रहा है कि वाइल द आरबीआई इन्फ्लेशन कैलकुलेशन, जबकि आरबीआई का मुद्रास्फीति संबंधी गणना क्लियरली बेनिफिट्स, वो स्पष्ट रूप से इस बात पे टिका है, फ्रॉम द ऑनगोइंग ट्रेंड, जो चल रहा है ट्रेंड इन प्राइस गेंस, कीमतों को लेकर, मंदी चल रही है, कीमतें कम है, इस बात पे टिका इन्फ्लेशन कैलकुलस उसका. एमपीसी इज जस्टिफिएबली कॉग्नाइजेंट, एमपीसी उचित रूप से ही कॉग्नाइजेंट है, अवगत है ऑफ द टेन्यूअसनेस, उस कमजोरी से, क्षीणता से, ऑफ द एजम्पशंस, उन मान्यताओं की कमजोरी से, कितनी वो नाजुक मान्यताएं हैं, कभी भी बिगड़ सकती हैं, और जो एजम्पशंस इट हैज़ मेड, इसने मान्यताएं की हैं, फॉर इट्स फॉरवर्ड प्रोजेक्शंस, आगे के भविष्यवाणी के लिए, या देखने के लिए क्या होगा. इंपॉर्टेंटली, महत्वपूर्ण रूप से, व्हाइल इट हैज़ अज्यूम्ड, एमपीसी ने ये मान्यता की है, माना है, एज्यूम किया है, अ नॉर्मल मानसून, की सामान्य मानसून होगा दिस ईयर, इस साल. द सेंट्रल बैंक एक्नॉलेजेस, ये जो आरबीआई है ये एक्नॉलेज करता है, दैट की मानता है कि एनी वेरिएशन, कोई भी परिवर्तन इन ज्योग्राफिक स्प्रेड, ज्योग्राफिक स्प्रेड का मतलब होता है जो भौगोलिक रूप से फैलाव है, जैसे बारिश पूरे भारत में होता है कि कहीं एक जगह होता है बाकी जगह नहीं होता है, तो अगर कोई भी वेरिएशन होगा, इंपॉर्टेंटली महत्वपूर्ण रूप से, जबकि इट हैज़ अज्यूम्ड, आरबीआई ने अज्यूम किया, माना है नॉर्मल मानसून, नॉर्मल मानसून का, बारिश का सीजन अच्छा सामान्य रहेगा दिस ईयर, इस साल. द सेंट्रल बैंक एक्नॉलेजेस, सेंट्रल बैंक ये बात मानता है, दैट की एनी वेरिएशन, अगर कोई परिवर्तन होता है ज्योग्राफिक स्प्रेड में, भौगोलिक क्षेत्र में, जहाँ बारिश हर जगह नहीं होता है, कहीं रुकता है कहीं नहीं होता है, अगर ज्योग्राफिक स्प्रेड में एक वेरिएशन आया, और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ टाइम, या समय के संदर्भ में, कि पूरे समय बारिश होता है या केवल एक बार बारिश होकर रह गया, बाकी बार बारिश नहीं हुआ, तो अगर अनइवन, असमान वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है टाइम के संदर्भ में बारिश का, उसमें कोई परिवर्तन होता है, कुड रॉयल, तो ये झकझोर देगा द इन्फ्लेशन आउटलुक, मुद्रास्फीति को लेकर जो अभी आउटलुक, नज़रिया, विचार हमने बनाया है, उसको ये मोड़ मरोड़ देगा, झकझोर देगा, बदल देगा. इनएक्सप्लिकेबली, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, समझ में नहीं आ रहा है क्यों, हाउएवर, हालांकि, कि क्यों ऐसा हुआ, कि आरबीआई पॉलिसी स्टेटमेंट, कि आरबीआई का जो नीति संबंधी वक्तव्य है, फेल्स या सफल रहता है टू मेक एनी मेंशन, इसमें कोई मेंशन नहीं किया है, कोई उद्धरण नहीं दिया, नाम नहीं लिया, ऑफ द हिथर टू अबाइडिंग कंसर्न, अब तक का हिथर टू का जो अबाइडिंग कंसर्न, जो लंबे समय से सताने वाला जो चिंता था, उसमें कहीं मेंशन नहीं किया अपने इस पॉलिसी स्टेटमेंट में, अबाउट फिस्कल प्रूडेंस, जो वित्तीय प्रूडेंस के बारे में, वित्तीय प्रबंधन के बारे में, ठीक से उसमें कोई घाटा ना हो, वित्तीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट ना हो, तो फिस्कल प्रूडेंस के बारे में जो इसका अबाइडिंग कंसर्न था हिथर टू, अब तक उसका कोई मेंशन नहीं पाया आरबीआई पॉलिसी स्टेटमेंट में. इनएक्सप्लिकेबली मतलब इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, समझ में नहीं आ रहा क्यों. विद दी एंट्रीम बजट, इस बात के साथ कि जो एंट्रीम बजट है, शोइंग सम स्लिपेज, कि जो अंतरिम बजट है, अस्थायी बजट जो है अभी, जिसको सरकार अंतरिम बजट कह रही है, शोइंग सम स्लिपेज, ये दिखा रहा है कुछ स्लिपेज. स्लिपेज का मतलब होता है कि जितना हम डेफिसिट का टारगेट लेके चल रहे हैं, उससे और दूर चले जाएंगे और डेफिसिट बढ़ जाएगा, और स्लिपेज हो जाएगा. तो इस बात के साथ कि अंतरिम बजट शो दिखा रहा है सम स्लिपेज, कुछ स्लिपेज फ्रॉम द फिस्कल रोड मैप, अपना जो फिस्कल या वित्तीय रोड मैप है, जो इसका रास्ता है, उसमें कुछ स्लिपेज दिखा रहा है. एंड प्रोजेक्टिंग अ बजट डेफिसिट, और ये दिखा रहा है कि बजट डेफिसिट होगा, बजट घाटा होगा 3.4% का, फॉर बोथ, दोनों के लिए, करंट फाइनेंशियल ईयर, वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए भी, एंड द नेक्स्ट, अगले के लिए भी. द रिस्क, इस बात के साथ, द रिस्क ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग, ये खतरा कि जो गवर्नमेंट बोरोइंग होगा, सरकार जो उधार लेगा, उसकी जो उधारी होगी, क्राउडिंग आउट, वो क्राउड आउट कर देगा, इतना ज़्यादा बोरो कर लेगा गवर्नमेंट, कि इट विल क्राउड आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड, निजी क्षेत्र में जो निवेश को लेकर मांग है पैसे का, उसको क्राउड आउट कर देगा, उसके लिए लिमिटेड स्पेस छोड़ेगा, उसके पास पैसा ही नहीं बचेगा, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं रहेगा, इतना गवर्नमेंट बोरोइंग होगा, ये दिखाता है, क्योंकि दिखा रहा है कि बजट घाटा हो गया, यानी खूब पैसा खर्चा करेगा, पैसा कम आएगा,
तो पैसा जब कमाएगा, खूब पैसा खर्चा करेगा ज़्यादा, तो कहाँ से बोरोइंग लेगा ना। अगर 100 रुपया आता है और 105 खरीदते हैं, तो 5 रुपया कहाँ से बोरो लेंगे, बोरिंग उधारी होगा, उसी से तो खर्चा करेंगे ना। तो इससे क्या हो गया कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड के लिए लिमिटेड स्पेस होगा। तो द रिस्क ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग, सरकारी कर्जा का जो रिस्क है, क्राउडिंग आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कि वो निजी निवेश को क्या कर देगा, क्राउड आउट कर देगा, उसके लिए कम जगह छोड़ेगा, रिमेन्स टेंजिबली रियल, वो टेंजिबली जिसको महसूस किया जा सके उतना वास्तविक है ये खतरा। वन मस्ट अज्यूम, किसी व्यक्ति को अज्यूम करना होगा, आपको मानना होगा, हमें मानना होगा, दैट द सेंट्रल बैंक विल रिज्यूम, कि जो सेंट्रल बैंक है, RBI है, विल रिज्यूम, शुरू करेगा नॉर्मल सर्विस, जो सामान्य सेवा है, ऑन प्रोवाइडिंग, देने पर सैल्यूटरी कॉशन। सैल्यूटरी क्या होता है, अपने व्यवहार को सुधारने संबंधी कॉशन, चेतावनी। हमेशा RBI सरकार को चेतावनी देता रहता है, समझाता रहता है कि फिजिकल प्रूडेंस होना चाहिए, समझदारी दिखाओ, अच्छे से वित्तीय प्रबंधन करो, घाटा नहीं होना चाहिए। तो वैसी सेवा के बारे में बात रही है, कि वन मस्ट अज्यूम, किसी हमें अज्यूम करना चाहिए, करना होगा, दैट सेंट्रल बैंक की जो केंद्रीय बैंक है, विल रिज्यूम, शुरू करेगा नॉर्मल सर्विस, जो सामान्य सेवा है, सलाह है, ऑन प्रोवाइडिंग, जो देता है, प्रोवाइड करता है, सैल्यूटरी कॉशन, अपने रास्ता चेत लेने संबंधी चेतावनी, टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को शुरू करेगा, आफ्टर द कमिंग जनरल इलेक्शन, आने वाले आम सभा चुनाव के बाद, ऐसा मान लें। इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसको एक बार हम देख लेते हैं। प्रॉप का मतलब होता है समर्थन, सपोर्ट, रेपो रेट, जिस रेट पे बैंक दूसरों को, कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, वो रेपो रेट होता है। बेंचमार्क रेपो रेट वही है। कंसर्न चिंता, फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय घाटा, बेयरली बमुश्किल, मुश्किल से, स्विच बदल देना, मॉनेटरी पॉलिसी, वित्तीय मौद्रिक नीति, स्टांस रुख, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, सोच समझ के मिला करके टाइटन करना, रेपो रेट को बढ़ा देना ताकि लोगों के हाथ में पैसा कम हो, सिग्नलिंग, संकेत करना, सिग्नल, इंटरेस्ट रेट, ब्याज दरें, सेट टू, तैयार, तय, ट्रेंड, ट्रेंड मतलब बढ़ना, आगे बढ़ना, प्रवृत्ति रखना, रिवर्स पलट देना, उल्टा कर देना, डायरेक्शन उल्टा, दिशा, यूनानिमसली एक मत से, ऑप्ट, चूजन, चून, चूजना, चून करना, चुनना, विकल्प चुनना, रिवर्ट पलट देना, न्यूट्रल पोस्चर ना, एक ऐसा रुख जो न्यूट्रल हो, ना तो घटाने का ना बढ़ाने का, पैनल, पैनल मतलब होता है लोगों का कमेटी, अनएक्सपेक्टेडली, अप्रत्याशित रूप से, बाय 4-2 मेजोरिटी, 4-2 के बहुमत से, 6 लोग थे उसमें 4 लोगों ने हाँ कहा, 2 लोगों ने ना कहा, 25 बेसिस पॉइंट्स, ये 6.50 था उसमें से 25 बेसिस पॉइंट घटा दिया तो 6.25 हो गया अभी, रीजनिंग, तर्क, फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड, फेयरली मतलब काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन, CPI आधारित इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति मापने का एक मानक है CPI, प्रोजेक्ट मतलब बताना, निर्धारित करना, तय करना, भविष्यवाणी करना, स्टे, टिकना, वेल बिलो से काफ़ी नीचे, ठीक है, अपॉर्चुन मोमेंट, अपॉर्चुन मतलब होता है उचित, मोमेंट मतलब क्षण, पीवो मतलब घूमना, है ना, और ग्रोथ सपोर्टिव स्टांस, ग्रोथ को सपोर्ट करने वाला, GDP को बढ़ाने वाला स्टांस या रुख, बोल्स्टर मजबूत करना, इकोनॉमिक मोमेंटम, आर्थिक गति, एविडेंट स्पष्ट, डाउनवर्ड रिवीजन, डाउनवर्ड रिवीजन का मतलब घटा देना, रिवाइज करके डाउनवर्ड नीचे की ओर घटा देना उसको, फोरकास्ट भविष्यवाणी, इन द फर्स्ट हाफ पहले आधे में, नेक्स्ट फिस्कल ईयर अगला वित्तीय वर्ष का पहला 6 महीना, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब भविष्यवाणी कि इतना होगा आगे चल के, लोअर घटाना, पोजिट दिखाना, सामने रखना, स्टेटमेंट वक्तव्य, मॉडरेट कम होना, ओवरसीज विदेश में, ऐड जोड़ना, अनसर्टेनिटीज अनिश्चितता, प्रिवेलिंग चल रहा प्रचलित, डोमेस्टिक इम्बैलेंसेस घरेलू असंतुलन की स्थितियाँ, अनेक चुनौतियाँ, स्पेसिफिकली खास तौर से, विशेष तौर से, प्रोडक्शन एंड इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, उत्पादन और आयात पूंजीवादी वस्तुओं का, पूंजी वस्तुओं का, पूंजीगत वस्तुओं का, की गेज महत्वपूर्ण गेज या मानक या मापक गेज, कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ना कम होना, क्रेडिट फ्लोज उधार, किसी जैसे किसी को क्रेडिट फ्लोज मतलब उसको उधार देना, म्यूटेड मतलब कम ज़्यादा नहीं, ओवरऑल शॉर्टफॉल कुल मिला के जो कमी है शॉर्टफॉल है, स्टोरेज भंडारण, मेजर रिजर्वर बड़े बड़े जो रिजर्वर्स हैं जहाँ रिजर्व या भंडारित किया जाता है भंडारण वाली जगह, स्लो डाउन कमी मंदी, फार्म आउटपुट ग्रोथ कृषिगत क्षेत्रों में आउटपुट का या उत्पाद का जो वृद्धि है ग्रोथ है, वरिंगली चिंताजनक रूप से, एंड अप होना अंततः इस स्थिति में पहुँचना, प्रोट्रैक्टेड मतलब लंबा खींच जाना, लंबे समय तक चलते रहना, द लेस देन सैंग्विन आउटलुक, लेस देन सैंग्विन मतलब जितना, सैंग्विन मतलब ऑप्टिमिस्टिक कॉन्फिडेंट, तो विश्वास से कम,
सैंगविन मतलब विश्वास से भरा, आउटलुक मतलब धारणा, ऐसा सोच, ऐसा नज़रिया, रूरल इकोनॉमी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रिफ्लेक्ट दिखाना, प्रतिबिंबित करना, हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स ऐसे संकेतक जो इकोनॉमी में एक्टिविटी ज़्यादा है कि कम है दिखाते हों, सर्विसेज सेक्टर, सेवा क्षेत्र, अंडरस्कोर रेखांकित करना, उजागर करना, वीकेनिंग डिमांड, कमज़ोर पड़ता हुआ मांग, कम होता हुआ मांग, हिंटरलैंड गांव, ग्रामीण क्षेत्र, अंडरगर्डिंग मजबूत करना, उसको और बल देना, अंडरगर्ड करना, अनप्रेसिडेंटेड अभूतपूर्व जो पहले ना हुआ, सॉफ्टनेस कमी नरमी, CPI डेटा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स संबंधी आंकड़े शोर दिखाना, डिफ्लेशन मतलब होता है कमी आना मूल्यों में, इन्फ्लेशन का उल्टा है महंगाई का उल्टा, इन्फ्लेशन कैलकुलस मुद्रास्फीति संबंधी गणना या कैलकुलस, ऑन गोइंग ट्रेंड चलता हुआ ये प्रवृत्ति, ऑन गोइंग ट्रेंड जो भी जारी है ट्रेंड, प्राइस गेंस प्राइस में कीमतों में जो प्राप्ति हो रही है बढ़ रहा है घट रहा है उसमें नेगेटिव है कि पॉजिटिव, जस्टिफिएबली उचित रूप से कॉग्नाइजेंट अवगत समझता हुआ, टेन्यूअसनेस वीकनेस या कमजोरी क्षीणता नाजुकता, एजम्पशंस मान्यताएं इट हैज़ मेड जो उसने की हैं ली हैं, फॉरवर्ड प्रोजेक्शंस आगे की ओर प्रोजेक्शंस जो भविष्यवाणी है, इंपॉर्टेंटली महत्वपूर्ण रूप से नॉर्मल मानसून सामान्य मानसून जैसा होता है, एक्नॉलेज मानना स्वीकारना, वेरिएशन परिवर्तन, ज्योग्राफिक स्प्रेड भौगोलिक दृष्टिकोण से उसका जो विस्तार है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन असमान वितरण इन टर्म्स ऑफ टाइम समय के संदर्भ में किसी समय में बहुत ज़्यादा किसी समय में कम, रॉयल मतलब झकझोरना हिलाना, इन्फ्लेशन आउटलुक मुद्रास्फीति संबंधी नज़रिया, इनएक्सप्लिकेबली जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सके व्याख्या ना की जा सके इस तरह से इस रूप में समझ में नहीं आए क्यों, मेक एनी मेंशन मेक करना मेंशन मतलब हवाला देना उसका नाम लेना, हिथर टू अब तक अबाइडिंग कंसर्न जो काफ़ी समय से चल रहा चिंता, फिजिकल प्रूडेंस वित्तीय प्रबंधन बुद्धिमानीपूर्ण प्रबंधन उसका प्रूडेंस, स्लिपेज यानी जितना आप तय टारगेट पे करना चाहते हैं उसमें जो कमी आ जाती है भटक जाते हैं स्लिपेज, फिजिकल रोड मैप वित्तीय एक रास्ता कि इस रास्ते पे चलना है जो आपका टारगेट है लक्ष्य है, गवर्नमेंट बोरोइंग सरकारी उधारी सरकार जो उधार लेता है उसको गवर्नमेंट बोरोइंग बोलते हैं, क्राउड आउट मतलब इतना कोई चीज़ कर दे कि दूसरे को जगह ना दे दूसरे को हटा दे वहाँ से, तो टेंजिबली जिसको महसूस किया जा सके काफ़ी स्पष्ट है ना, रिज्यूम शुरू करना, सैल्यूटरी कॉशन चेतावनी कॉशन मतलब चेतावनी, सैल्यूटरी मतलब अपना व्यवहार अच्छा बनाने संबंधी कर लेने संबंधी चेत जाने संबंधी चेतावनी, जनरल इलेक्शन आम सभा चुनाव। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिनका आपको जवाब देना है, व्हाट मे हैपन क्या हो सकता है इन केस ऑफ वेरिएशन यदि वेरिएशन हो परिवर्तन हो इन रेनफॉल बारिश में रिलेटेड जो बारिश रिलेटेड रेनफॉल रिलेटेड एजम्पशंस मान्यता है उसमें वेरिएशन होगा तो क्या होगा, देर विल बी चेंज इन इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति में परिवर्तन होगा, नथिंग विल चेंज कुछ नहीं बदलेगा, जीडीपी ग्रोथ रेट है विल गो अप वो बढ़ जाएगा जीडीपी का ग्रोथ रेट, देर विल बी नो इम्पैक्ट कोई प्रभाव नहीं होगा जीडीपी पे क्या होगा ये बताना है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज के संदर्भ में व्हाट इज द करेंट ट्रेंड क्या है करेंट ट्रेंड इन प्राइस गेंस में क्या ट्रेंड है अभी वर्तमान में, देर इज अपवर्ड मूवमेंट इन द प्राइस गेंस में अपवर्ड मूवमेंट यानी कीमतें बढ़ रही हैं, देर इज डाउनवर्ड मूवमेंट है नीचे की तरफ है गति इन प्राइस गेंस में यानी कीमतें कम हो रही हैं, प्राइसेज आर स्टेबल कीमतें स्थिर हैं ना बढ़ रही हैं ना घट रही हैं, प्राइसेज आर एक्सपेक्टेड टू गो अप कीमतों का उम्मीद है टू गो अप की बढ़ेंगी इन शॉर्ट टर्म पीरियड अल्पकालीन समय में आने वाले नज़दीकी भविष्य में, व्हाट वॉज द रेपो रेट क्या था बिफोर दिस मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू इस मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू के पहले क्या था रेपो रेट बताना है आपको, व्हाट मे बी द रिस्क क्या हो सकता है खतरा कौन सा खतरा हो सकता है, व्हाट मे बी द रिस्क ऑफ गवर्नमेंट शोइंग गवर्नमेंट के इस बात को दिखाने से हाई लेवल ऑफ फिजिकल डेफिसिट काफ़ी ऊंचा स्तर वित्तीय घाटे का फॉर दिस फिनेंशियल ईयर इस वित्तीय वर्ष के लिए एंड द नेक्स्ट टू और अगले के लिए भी जो हाई लेवल ऑफ फिजिकल डेफिसिट जो दिखा रहा है सरकार इसका क्या रिस्क हो सकता है खतरा कि दैट द गवर्नमेंट्स बोरोइंग्स की सरकार की जो उधारियाँ होंगी विल बी टू मच बहुत ज़्यादा होंगी, लिविंग लिमिटेड स्पेस जो छोड़ेंगी कम जगह फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट निजी निवेश के लिए ये खतरा है, या द इन्फ्लेशन विल गो अप मुद्रास्फीति ऊपर बढ़ेगी टू अ वेरी हाई लेवल काफ़ी ऊंचे स्तर पर, द कंट्री में गो इन टू एन इकोनॉमिक स्लो डाउन देश जा सकता है एक आर्थिक मंदी की स्थिति में, द गवर्नमेंट बोरोइंग सरकार की जो उधारी होगी विल लीव पीपल मनी लेस वो छोड़ देगा लोगों को मनी लेस पैसा विहीन कर देगा पैसा ले लेगा सबसे पैसा खत्म हो जाएगा क्या रिस्क हो सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग निम्नांकित में कौन सा इज द अपोजिट ऑफ टेन्यूअसनेस टेन्यूअसनेस का अपोजिट कौन सा है,
तो टेन्यूसनेस मतलब होता है क्षीणता, कमजोरी, दुर्बलता, नाजुकता, इसका उल्टा हो जाएगा स्ट्रेंथ, शक्ति। हार्डनेस मतलब होता है कि कोई परत होता है वो कितना सख्त है ना, ये वीकनेस, कमजोरी, कॉन्फ्लिक्ट, रगड़ा झगड़ा, है ना। बाकी वैसे आंसर सबके दिए हुए हैं, 1 का A, 2 का B, 3 का A, 4 का A, 5 का B। अब जो है एक अनाउंसमेंट ये भी है, 9 तारीख को आगे जो 9 तारीख आ रहा है सैटरडे होगा, 9:30 से 10 इलाहाबाद का जो विविध भारती केंद्र है उससे आप सुन सकते हैं मेरा इंटरव्यू। और ये विषय है कि SSC बैंक एवं अन्य वनडे एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें, इस पे है। और 25 मार्च से मिशन इंग्लिश शुरू हो रहा है बहुत ही शानदार तरीके से, 4 महीने में अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सुनना आना चाहिए, 150+ 150+ करना है हर हाल में, Tier 2 में इंग्लिश में, ये हमारा लक्ष्य है। 200 सेलेक्शंस देने हैं अभी, है ना, इस साल के लिए ये लक्ष्य है। और मुझे आशा है कि हम आप मिलके और इसको 200 से ऊपर ही बढ़ाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, बढ़ रहा होगा। कोई सजेशन हो तो ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।